नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इस साल के नवंबर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 7 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव के लिए टिकट बांट रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से कैलाश विजय वर्गीय को भाजपा द्वारा टिकट मिलने के बाद कई अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और नेता को भाजपा अपना सीएम उम्मीदवार बनाना चाहती है। इसी बीच भाजपा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से खड़ा किया है। बता दें कि सीएम चौहान का ये पारंपरिक सीट है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी पार्टी ने दांव खेला है। उन्होंने रजनांदगांव से उम्मीदवार के रूप में चुना है। इस सीट पर वह 2008 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान में भाजपा की चुनावी रणनीति काफी अलग दिख रही है। अभी तक भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए टिकट की घोषणा नहीं की है। हालांकि पार्टी ने अब तक झालरा पाटन से भी किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यह पूर्व सीएम राजे की पारंपरिक सीट है। 3 राज्यों में भाजपा ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषणा नहीं किया है। कुछ ही दिनों पहले एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कमल ही आपका उम्मीदवार है और आप कमल के निशान पर ही बटन दबाएं। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा राजस्थान के लिए घोषित 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में 7 सांसद के नाम शामिल है, जबकि पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित 64 की सूची में 3 सांसदों के नाम शामिल है। इससे इन 3 राज्यों में भाजपा के कुल सांसदों की संख्या 17 हो गई है। इन नामों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान में राजवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीना और दिया कुमारी जैसे बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे, वहां 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं सभी राज्यों के रिजल्ट एक साथ 3 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये कि शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो नहीं है, और राजस्थान में अभी तक वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया गया है। क्यों भाजपा सरकार लगातार वसुंधरा को दरकिनार कर रही है, उनको नजरअंदाज कर रही है? क्या मोदी और शाह की इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या है उनकी मंशा राजस्थान में? आखिर वो कौन सा दाव खेलना चाहते हैं? वहीं जो है विपक्ष में कांग्रेस जो है लगातार जमीनी जो मुद्दे हैं उससे जुड़ी हुई है, और उसका पूरा जो उसका मुद्दा है वो क्लियर है कि वो किस बेस पे लड़ेगी, किस चेहरे से लड़ेगी। लेकिन भाजपा जो है अभी तक इस मामले में जो है कुछ भी क्लियर करते नहीं नजर आ रही है। और क्या वसुंधरा को नज़रअंदाज करना भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ना फायदे वाली चीज़ रहेगी, ये तो वक्त आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन जो है राजनीतिक अटकलें यहीं लगाई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। साथ ही वसुंधरा राजे के बारे में भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वसुंधरा को टिकट मिलती भी है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो है उनको उनके प्रारंभिक सीट से भी जो है वो नहीं मिला है टिकट। तो क्या उस सीट पर अब किसे भाजपा टिकट देगी और अपना सीएम उम्मीदवार किसे चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।